हेलो एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ घटनाचक्र करंट अफेयर्स। इस सीरीज में करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको 1 अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक। दिस सीरीज फोकसेस ऑन द अपकमिंग एग्जाम ऑफ यूपीपीसीएस व्हिच विल बी कंडक्टेड ऑन 14 मई 2023। और भी बाकी यूपी के स्पेशल एग्जाम्स लाइक UP SSSC या वन दरोगा या किसी भी जिसमें करंट अफेयर्स आने वाले हैं उस सब एग्जाम में ये काम आने वाला है। दो वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। This is the third video. So let's begin with the third video. ये सारे क्वेश्चंस हो चुके थे। ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, ए बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज किसके बीच है? इंडियन आर्मी और सिंगापुर के बीच। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन December 1st लॉन्च ए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एट दिल्ली, बैंगलोर एंड वाराणसी एयरपोर्ट। दिस इज नोन एज डिजी यात्रा। ये एक फेशियल रिकॉग्निशन का एक सिस्टम है। क्या नाम है इसका? डिजी यात्रा। कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली, बैंगलोर एंड वाराणसी एयरपोर्ट्स पे इसको इंस्टॉल किया गया है। वॉट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। तब बड़ा सा थीम है। थीम याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए इसको एक बार आपसे तो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर ऑप्शन में दिए रहेंगे तो आप ऑप्शन में टिक कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टार्टअप हैज वॉन अर्थ शॉर्ट प्राइज? इट इज खेती। हु हैज वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड द न्यू यॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल? इट इज SS राजामौली। ऑब्वियसली ये आपके 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन की लिस्ट में भी इनका और शाहरुख खान का नाम है। ओके, इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व विल बी सेटअप इन विच स्टेट? इट विल बी सेटअप इन लद्दाख। ओके नेक्स्ट, वॉट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट? इट इज सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलेंटियरिंग। नेक्स्ट, इंडिया हैज जम्प टू विच पोजिशन इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग बाई इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल सिविल और एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रैंकिंग की जाती है, तो इंडिया की कौन सी रैंक है? इट इज 48th रैंक। नेशनल जूलॉजिकल पार्क डेली जू सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल चीता डे एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। ठीक है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली जू। विच मेट्रो हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट? लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट मेट्रो कहाँ बनी है? नागपुर मेट्रो में। इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट। विच स्टेट हैज लॉन्च वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रोग्राम? इट इज उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी यहीं पे लॉन्च हुआ था। इंडियाज फर्स्ट गोल्ड ATM एंड वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM किस सिटी में लॉन्च हुआ? इट इज इन हैदराबाद। इंडियाज फर्स्ट गोल्ड ATM, अभी तक कैश निकालते थे, अब गोल्ड भी निकालोगे आप ATM से। नेक्स्ट, 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट वॉज हेल्ड इन 29th नवंबर टिल 1st ऑफ दिसंबर एट न्यू डेली। द थीम ऑफ 2022 समिट वॉज ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल समिट का थीम क्या था? जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट वाज द थीम फॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल समिट? इट वाज जियोपॉलिटिक्स फॉर टेक्नोलॉजी। हु विल अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन कतर? सबको पता होगा, दीपिका पादुकोण। व्हाट इज द टाइटल रैंक ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन टॉप 100 डिफेंस कंपनी लिस्ट? HAL की रैंक है 42nd इन टॉप 100 डिफेंस कंपनी लिस्ट। IIT मद्रास रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर, जिसमें क्या होता है आपकी ओशियन वेव से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। इसका क्या नाम है? इट्स नेम इज सिंधुजा। ओशियन वेव से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं IIT मद्रास। ओके नेक्स्ट, BBC रिलीजेज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स लिस्ट, इसमें किसका नाम है? प्रियंका चोपड़ा जोनस। प्रियंका चोपड़ा जोनस का नाम BBC रिलीजेज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स लिस्ट में का नाम है। ठीक है नेक्स्ट, Which president has been named as Times Magazine Person of the Year? Times Magazine Person of the Year का award किसको मिला है? Volodymyr Zelensky, हमारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट को।
नेक्स्ट, विच सर्च रिमेन्स द मोस्ट सर्च क्वेरी ऑन गूगल इंडिया ऑन 2022? इट इज इंडियन प्रीमियर लीग. हमारा आईपीएल इज द मोस्ट सर्च्ड क्वेरी. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप टेक ईगल हैज अनवील्ड एशिया फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क. एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क, ठीक है, कहां पे स्टार्ट हुआ? मेघालय में, बाय टेक ईगल. कार्थिकाई दीपम चैरियट फेस्टिवल हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन, कहां पे हुआ ये कार्थिकाई दीपम चैरियट फेस्टिवल? इट इज हेल्ड इन तमिलनाडु. नेक्स्ट, द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ UN ऑर्गेनाइज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023. इट इज रोम, इटली. 2023 क्या बोला गया है? इट इज इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स. कहां से ऑर्गेनाइज हुआ, कहां से ओपनिंग सेरेमनी थी इसके? रोम, इटली से. हु हैज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ 2022 प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स इन ऑस्ट्रेलिया? इट इज वीना नायर. वीना नायर को एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल का अवार्ड मिला है. हु हैज बीन अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयर ऑफ बिजनेस B20 इन दिसंबर 2022. B20 का चेयर कौन था? एन चंद्रशेखरन. हु इज द शेरपा ऑफ G20? इट इज अमिताभ कांत. ठीक है, वॉट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे? एंटी करप्शन डे का थीम क्या था? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन. Who has been elected as first female president of Table Tennis Federation of India? पहली female president कौन है? मेघना अहलावत. ठीक है, मेघना अहलावत is the first female president of Table Tennis Federation. Who has approached the Indian Institute of Remote Sensing for developing spatial data infrastructure geoportal? कहाँ है? लद्दाख. Who has approached Indian Institute of Remote Sensing? लद्दाख बनवा रहा है अपना spatial data infrastructure geoportal by Indian Institute of Remote Sensing. Which has won the World Athlete of the Year Award? Who hoga? Who has won the World Athlete of the Year Award? It is McLaughlin, Lebron, Monto, Dulfantis. Okay. Next. Who has made a world record of making the fastest double century in one day? It is Ishan Kishan against Bangladesh. Ishan ne दो सेंचुरी बनाई एक ही दिन में, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी. ठीक है, विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन? इट इज तमिलनाडु. ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन ला रहा है तमिलनाडु. इंडिया की रैंक क्या है ह्यूरिन ग्लोबल 500 में? इट इज फिफ्थ रैंक. ह्यूरिन ग्लोबल 500 में इसकी फिफ्थ रैंक है. इन विच एयरपोर्ट कंट्रीज लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल इज कमीशन? किस एयरपोर्ट पे लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया? इट इज ऑन कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरला. विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन इंडस्ट्री? इट इज केरला, अलुवा डिस्ट्रिक्ट. ओके, नेक्स्ट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ इंडिया सिक्स्थ वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन? इट इज बिलासपुर छत्तीसगढ़ टू नागपुर महाराष्ट्र. छठवीं वंदे भारत कहां से कहां चल रही है? आपके बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नागपुर महाराष्ट्र. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर इन दिसंबर 2022? वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर जापान ने लॉन्च किया. विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च वनीकरण प्रोजेक्ट टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन? वनीकरण, केरला. ठीक है, वेस्टर्न घाट के लिए कौन कौन से स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका. नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार एज द रिनोवेटेड हाउस ऑफ भारतियार एट वाराणसी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस? इट इज एम के स्टालिन. एम के स्टालिन किस स्टेट के सीएम है? कमेंट डाउन. एथ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इज हेल्ड इन भोपाल. ठीक है, और सबसे ज्यादा बार भी भोपाल में ही हुआ है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल. इंडिया प्लान टू कमीशन 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय 2031.
According to Bloomberg 50 report, who has topped the list of people whose wealth witnessed by maximum rise globally during this year? किसके ऊपर बवाल उठ रहा था पार्लियामेंट में? इट इज गौतम अडानी हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ पीपल हुज वेल्थ विटनेस द मैक्सिमम राइज. सबसे ज्यादा वेल्थ इन्हीं की इंक्रीज हुई है. गौतम अडानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चांसलर ऑफ गतिशक्ति यूनिवर्सिटी. गतिशक्ति यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है? अश्विनी वैष्णव. विच प्लेयर हैज वॉन गोल्डन बूट अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022? इट इज एम्बप्पे, काइलिन एम्बप्पे. ओके, एंड गोल्डन बूट अवार्ड और फिर गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है? इट इज टू मेसी. ठीक है, आपको फीफा से तो क्वेश्चंस आने ही है, कौन सबसे ज्यादा बार टाइटल जीता है, कौन इस बार जीता है, किसको हराया गया. ठीक है, हु हैज इनॉग्रेटेड ए नेशन वाइड कैंपेन प्रशासन गांव की ओर? इट इज बाय जितेंद्र सिंह. प्रशासन गांव की ओर इज लॉन्च बाय जितेंद्र सिंह. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट इशूड ए नोटिफिकेशन मेकिंग द आधार नंबर मैंडेटरी फॉर अवेलिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम्स? तमिलनाडु ने आधार नंबर को मैंडेटरी कर दिया है किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को अवेल करने के लिए. हु एक्ट्रेस हैज बीन अवार्डेड, विच एक्ट्रेस होगा, विच एक्ट्रेस हैज बीन अवार्डेड पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड? इट इज सोनाक्षी सिन्हा. नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड मेन्स इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन? इट इज राफेल नडाल. वर्ल्ड चैंपियन किसको डिक्लेयर किया गया है? राफेल नडाल. विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम? इट इज तमिलनाडु, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज लॉन्च ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स? इट इज इंडिया, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स. ओके, so it is India, group of friends to promote accountability for crimes against peacekeepers. Next question, which team has won 9th season of pro kabaddi league title? It is Jaipur Pink Panthers. Pro kabaddi kisne jeeta is bar? Jaipur Pink Panthers. India's first ever surety bond insurance products from Bajaj Allianz was launched for which purpose? It was launched for infrastructure projects. Next, the book Indian Navy at the rate 75 reminiscing the voyage is authored by Arita Banerjee. It was authored by Arita Banerjee. Next, Indian voyage, which minister has launched India's first green steel brand Kalyani Ferresta in New Delhi? It is by Jyotiraditya Sindhya. Theek hai, next, which legendary athlete has been nominated by Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar to panel of vice chairpersons in the upper house of parliament? It is P.T. Usha. ठीक है, पयोली एक्सप्रेस भी बोलते हैं इनको, पीटी उषा को, पयोली एक्सप्रेस. ठीक है, नेक्स्ट, द UAE has been selected to host WTO 13th Global मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन फेब्रुवरी 2024. UAE होस्ट करेगा WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2024 में. रिसेंटली इंडियन फोर्सेज एक्वायरिंग विच बैलिस्टिक मिसाइल फॉर स्ट्राइकिंग टारगेट्स एट 150 टू 500 किलोमीटर? इट इज प्रलय. प्रलय, ठीक है, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्राइबल विंटर फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ट्राइबल विंटर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर. Which vessel of Indian Navy will participate in 50th edition of Cape to Rio Race 2023? It will be INSV Tarini. It is INSV Tarini. कहाँ पे participate कर रहा है? Indian Navy 50th edition of Cape to Rio Race. Cape to Rio Race में INSV Tarini. Next, Indian Railways completed the construction of tunnel on 111 kilometer longest escape tunnel in which state of India? It is Jammu and Kashmir. ज्यादातर tunnels आपके यही बन रहे हैं. 111 kilometer. आपको ये देख कुछ याद आया? दो latitudes के बीच की distance कितनी होती है? It is 111. Which is India's official entry for 2023 Academy Awards or Oscar Awards in International Feature Film category? The Last Show. In which state country's first infantry museum has been opened for general public
पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ खोला गया है? इट इज इन मध्य प्रदेश. इंडियाज मैंड स्पेस फ्लाइट गगनयान टू बी लॉन्च इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024. 2024 के एंड में लॉन्च होने वाला है गगनयान मैंड स्पेस मिशन. विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट फुटबॉल क्लब इन फेब्रुअरी 2023? इट विल बी मोरक्को. नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप. Who has won Rabindranath Tagore Literacy Prize? It is Sudeep Sen and Shobhana Kumar. Rabindranath Tagore Literacy Prize is won by Sudeep Sen and Shobhana Kumar. Recently, Anuradha Roy was awarded Sahitya Akademi Award for her novel All the Lives We Never Lived. Sahitya Akademi Award किसको मिला है? Anuradha Roy को मिला है. किसके लिए मिला है? All the Lives We Never Lived. Next, who has won BBC Sport Personality of the Year Award? It is Beth Mead, BBC Sport Personality of the Year. Next, who breaks all the records and became the most expensive cricketer to be bought by any franchisee of IPL? It is Sam Curran. Next, 10th edition of North East Festival began at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. North East Festival शुरू हो चुका है कहाँ पे? New Delhi में शुरू हुआ है. Who is the only player in top 25 Forbes annual list of highest paid female athletes in the world? It is PV Sindhu. Top 25 की highest paid female athlete में किसका नाम है? PV Sindhu मैम का नाम है. Moving forward, which institution has recently developed artificial heart? It is developed by IIT Kanpur. Artificial heart. Which country topped in FIFA World Ranking 2022? सबसे ज्यादा बार FIFA World Cup कौन जीता है? ब्राजील. अनुराग ठाकुर inaugurated the Sports Science Center in which state? It is in Karnataka. Prime Minister Narendra Modi has announced to observe Veer Bal Divas on occasion of Prakash Purab of Guru Gobind Singh. Veer Bal Divas कब मनाया जाएगा? Guru Gobind Singh के Prakash Purab पर. Who has been honored with the prestigious 30th Eklavya Puraskar? Eklavya Puraskar किसको मिला है? It is Swati Singh. Eklavya Puraskar. The famous Losar festival is celebrated in which of the states? Ya UT? It is in Ladakh. Which state will install a huge statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee? It will be installed by Madhya Pradesh. Atal Bihari Vajpayee ji ki statue banayi jayegi Madhya Pradesh mein. Eklavya Puraskar किसको मिला है? Swati Singh को. Which prison has been awarded 5-star rating and tag Eat Right Campus by FSSAI? It is Bulandshahr Prison. Bulandshahr Prison को 5-star rating मिली है और tag मिला है Eat Right Campus का. Next, who has been selected for the first KR Gauri Amma National Award? KR Gauri Amma National Award किसको मिला है? Elijah Guevara. It is to Elijah Guevara. Next, which will soon introduce Bheem Vans in each Gram Panchayat? Which will soon introduce Bheem Vahak in each Gram Panchayat? It will be IRDAI. Okay, next. Who has inaugurated the project development of Sri Shailam Temple at Sri Shailam Complex, Andhra Pradesh? Draupadi Murmu, our Honorable President. Which state government has inaugurated the E Shushrut Hospital Management Information System in State Medical College? E Shushrut कहाँ पे inaugurate हुआ है? किस medical college में? UP द्वारा inaugurate हुआ है. Who has been awarded Atal Samman Award? It is Prabhu Chandra Mishra. Atal Samman Award, Prabhu Chandra Mishra. Which state recently inaugurated first Baikal International Beach Festival? Baikal International Beach Festival, Kerala. अभी दो बीच को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. लक्षद्वीप के दो बीच है, एक मिनिकॉय है, दूसरा कौन सा है? कमेंट डाउन. हु हैज लॉन्च्ड स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड डिजिटल इनोवेशन अलायंसेस प्रोग्राम रिसेंटली? इट इज अश्विनी वैष्णव. नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू पास लोकायुक्त बिल? इट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल. इट इज ऑम्बुड्समैन बिल. नेक्स्ट, the Indian Army inaugurated its first 3D printed house dwelling unit for soldiers at Ahmedabad Cant. Ahmedabad Cant pe 3D printed house dwelling units ban rahi hai soldiers ke liye. Theek hai. Where was India's second National Model Vedic School inaugurated? National Model Vedic School kahan inaugurate kiya gaya? It is in Puri, Odisha.
ठीक है. नेक्स्ट, माउफ्लू केव हैज बिकम फर्स्ट इंडिया जियो हेरिटेज साइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को. इट इज लोकेटेड इन मेघालय. विच केव इट इज? इट इज इन मेघालय. माउफ्लू केव, इट इज माउफ्लू केव. पहली जियो हेरिटेज साइट है इंडिया की, कहाँ पे है? एम फॉर माउफ्लू, एन फॉर मेघालय. नेक्स्ट, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डेडिकेटेड 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स द नेशन. वर्थ कितनी है? 2180 करोड़. रिसेंटली सऊदी अरेबिया वॉन द बिड टू होस्ट विंटर गेम्स फॉर 2029. रिसेंटली इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन सुल्तान ऑफ द जौहर कप फॉर थर्ड टाइम. इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया किस कप में? सुल्तान ऑफ जौहर कप. नेक्स्ट, आईएमटी ट्राइलेट इज द फर्स्ट ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज अमंग नेवीज ऑफ इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार हो रहा है, पहली बार एक नेशनल ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है तीन नेशंस के बीच में. इट इज आईएमटी ट्राइलेट. ट्राइलेट मतलब तीन कंट्रीज, कौन कौन सी? इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया. द थीम ऑफ वर्ल्ड सिटीज डेज इज एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल. वर्ल्ड सिटीज डे का थीम क्या है? एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल. नेक्स्ट, फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री टू मार्क अप 30th एनिवर्सरी ऑफ एशिया एंड इंडिया रिलेशनशिप. एशियन कंट्रीज और इंडिया के रिलेशनशिप को मार्कअप करने के लिए एशियन इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया है. कहाँ पे? इंडोनेशिया, बाली में. विच कंट्री हैज वॉन फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप? फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन जीता है? स्पेन. विच कंट्री, विच स्टेट हैज वॉन स्कॉच अवार्ड इन द वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी फॉर इट्स पॉपुलर लक्ष्मी बंदर स्कीम? इट इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल को स्कॉच अवार्ड मिला है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी फॉर पॉपुलर लक्ष्मी स्कीम. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाई यू, इट इज जस्ट अ सेकेंड, UNHCR. ओके, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाई UNHCR इन अक्टूबर 2022, विच कंट्री होस्टेड लार्जेस्ट रिफ्यूजी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? इट इज टर्की. टर्की में लार्जेस्ट रिफ्यूजी पॉपुलेशन है. हु हैज वॉन राज्योत्सव अवार्ड दिस ईयर बाई कर्नाटका गवर्नमेंट? राज्योत्सव अवार्ड कौन जीता है? इट इज के सिवान. हु वॉज के, हु इज के सिवान? वो क्या थे पहले? कमेंट करिए. विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडिया फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा योटा योटा D1 बिल्ड? योटा योटा D1 बिल्ड किसके द्वारा बनाया गया? उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा. ये क्या है? हाइपर स्केल डेटा सेंटर है. Which state government will set up cyber intelligence unit in state to curb cyber and financial crime? Cyber और financial crimes को कम करने के लिए cyber intelligence unit महाराष्ट्र develop कर रहा है. Next, which state government has decided to set up committee to implementation of uniform civil code in state recently? गुजरात. uniform civil code अभी केवल एक state में है, उसका क्या नाम है? यूनिफॉर्म सिविल कोड किस डीपीएसपी में है? ये दोनों चीज आप कमेंट डाउन करिए. और अभी कौन बिल आ रहा है इसके ऊपर? गुजरात. ठीक है, कमिटी बनाया है सेटअप करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC इन रंजनगांव ऑफ विच स्टेट? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अप्रूव किया है ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर रंजनगांव ऑफ महाराष्ट्र. विच कंट्री हैज बीन कॉन्फर्ड द प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर ऑन फॉर्मर US सेनेटर अवार्ड M. Kennedy पोस्ट थमसली? M. Kennedy वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ USA. उनके ऊपर एक अवार्ड है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर ऑन फॉर्मर US सेनेटर एडवर्ड M. Kennedy. इनको मिला है बाई बांग्लादेश. बांग्लादेश ने इनको अवार्ड दिया है मरने के बाद. Which state begins National Tribal Dance Festival? It is Chhattisgarh. National Tribal Dance Festival Chhattisgarh शुरू कर रहा है. Which state is hosting 3-day Civil Air Navigation Services Organization Conference? Civil Air Navigation कौन host करेगा? It is will be Goa. 3-day conference है ये. Next, Falcon Heavy, the world's most powerful rocket launched by SpaceX. Who has conferred Karnataka Ratna?
कौन जीता? पुनीत राजकुमार, मरणोपरांत इनको कर्नाटका रत्न मिला। Which state has been chosen as Collins Dictionary of word of the year? It is Perma Crisis. Collins Dictionary word क्या है? Perma Crisis. Prime Minister Narendra Modi has declared Mangar Dham as national monument. It is located in Rajasthan. Mangar Dham ये कहाँ पे है? राजस्थान में। Which state hosted the Track Asia Cup 2022 from November 25th to 28th? It is Kerala. ट्रैक एशिया कप होस्ट किया है केरला ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज कंडक्टेड इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप इन श्रीनगर। फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। हु इज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एक्सरसाइज हिज राइट टू फ्रेंचाइजी फॉर 34 टाइम ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन? श्याम शरण नेगी। ठीक है, श्याम शरण नेगी। हु हैज वॉन टाइटल्स इन ओपन मेन इन एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप? आर प्रगनंदा। इट इज आर प्रगनंदा। एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप में इनको मेंस टाइटल मिला है। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च सीएम डैशबोर्ड टू एसेस द रियल टाइम डेटा ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिसीजन टेकन ऑन मेजर स्कीम? इट इज हरियाणा। बहुत अच्छी चीज है, सीएम डैशबोर्ड बना है रियल टाइम डेटा एनालिसिस के लिए। Which country has created the world's record by operating the longest passenger train recently? सबसे लंबी passenger train कौन inaugurate किया? It is Switzerland. Longest railway station कहाँ का है? Comment down. It is Gorakhpur? No, it is not. Change हुआ है, आप comment section में इसका answer दो। Who has been selected the Kerala government prestigious Ezhu Thakkan Puraskaram? It is to Sethu. नेक्स्ट, इंडियाज मेन टीम वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप? इंडिया के मेन ने गोल्ड मेडल जीता है कुवैत की टीम को हरा के इन स्क्वाश। नेक्स्ट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट हैज ज्वाइंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च ट्रीज आउटसाइड इंडिया? ट्रीज आउटसाइड इंडिया, ये भी आपका क्वेश्चन सीडीएस में आया था। हरियाणा गवर्नमेंट ने यूएसएआईडी के साथ मिलकर ट्रीज आउटसाइड इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, हरियाणा की जगह लिख सकता है इंडियन गवर्नमेंट, राइट? इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया है इसको यूएसएआईडी के साथ मिलके, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट फॉर द ईयर 2022? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ राइजिंग सन वाटर फेस्ट? मेघालय। राइजिंग सन वाटर सेट उमायम लेक पे है। कहाँ पे है ये? मेघालय में। यूपी गवर्नमेंट एम्स टू मेक वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर मथुरा वृंदावन ए नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाई 2041। मथुरा वृंदावन को नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगा उत्तर प्रदेश बाई 2041। हु वॉज अवॉर्डेड 2022 उत्तराखंड गौरव सम्मान? One of two highest civilian awards by state awarded to a person for extraordinary contribution to any field of human endeavor. It is to Ajit Doval. ठीक है, who is Ajit Doval? Comment down. The Bureau of Energy Efficiency has partnered with whom to promote energy efficiency financing for MSME? It is partnering with SIDBI. What was the theme of India's G20? Again, Vasudev Kutumbakam. कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से। Which American technology giant has launched the platform for displaying flood forecast, namely Flood Hub? Flood Hub platform किसने launch किया है? By Google, flood forecast के लिए। Which state became India's first to introduce uniform gold price based bank on rate? It is Kerala. Kerala ने क्या introduce किया? Uniform gold price based on bank rate. Who has been selected for the International Canada Ratna Award? It is YKC Wadiyar. International Canada Ratna Award. किसको मिला है? YKC Wadiyar. India's first private sector rocket Vikram S was developed by Skyroot Aerospace. It is developed by Skyroot Aerospace. क्या नाम है इसका? Vikram S. 42nd International Congress of Indian National Cartographic Association is inaugurated in Dehradun. Cartographic Association कहाँ पे inaugurate हुआ? Dehradun में. Next, India will host Women's World Boxing Championship in 2023 in which city? World Boxing Championship होने वाली है कहाँ पे? New Delhi में.
What is the theme of National Education Day? Changing course, transforming education. National Education Day का theme क्या है? Changing course, transforming education. Who has scripted history as he became the first batter in history to reach 4,000 runs in T20 International? 4,000 runs किसने बनाए अपने T20 International ने? First विराट कोहली. ठीक है, next. Who has been awarded 31st Bihari पुरस्कार for 2018 novel? हम यहाँ थे, मधु कंकड़िया. इट इज मधु कंकड़िया. इनको मिला है 31st बिहारी पुरस्कार. हु हैज बीन अवॉर्डेड 32nd बिहारी पुरस्कार? ये मिला है डॉक्टर माधव हादा को फॉर पचरंग छोला पाहर सखीरी. ठीक है, डॉक्टर माधव हादा. ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज अनाउंस ओडिशा विल मेड स्लम फ्री ओडिशा बाई 2023. और नेट जीरो वृंदावन मथुरा में कहाँ पे रहेगा? 2041. Who has been appointed friendship ambassador by Switzerland tourism? It is Neeraj Chopra. Friendship ambassador किसको declare किया गया by Switzerland? It is Neeraj Chopra. Who recently launched Fit India School Week mascot Tufan and Tufani? Fit India School Week mascot Tufan and Tufani PV Sindhu द्वारा लॉन्च किया गया है. So this is it. आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं. For this series to continue, आप next video पे आइए और next video को देखिए. इस वीडियो से आपको फायदा ये होने वाला है कि 80% 85% जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं यूपीपीसीएस विच विल बी कंडक्टेड ऑन 14th में, आप सही कर लोगे उसको. और जिनको भी बुक नहीं मिल पाई है, जो लोग आउटर्स में रहते हैं जिनको बुक नहीं मिल पाई, उनके लिए तो ये एक वीडियो बून का काम करने वाला है. ठीक है, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज हिंदी में अवेलेबल है बट इंग्लिश में मुझे नहीं दिखा. सो आई एम हियर विद दिस सीरीज. काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन आइकन ताकि मैं जब भी इस वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद.